हे व्हाट्स अप पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वुड बी एट पिंक ऑफ योर हेल्थ। सारे में मेरा सत श्रीकाल, नमस्कार एंड आदाब। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, शायद उस टॉपिक को मुझ तक पहुँचने में 20-21 साल लग गए, क्योंकि बुक्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, सोशल इशूज़ पढ़े, पर इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। द टर्म इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन, विच हैज़ केम फ्रॉम द वर्ड जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कि तुम लड़का हो तुमको ये करना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो और तुम लड़की हो तो तुम खुल के हंस नहीं सकती हो। तो ऐसे सारे ही डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ आपको नॉलेज देना और इसके बारे में सिखाना और कहलाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन। बेसिकली ऐसे कई सारी मूवीज़ बनी है इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए और जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करते हुए। एक मूवी है अर्जुन कपूर और करीना कपूर की, विच इज़ की एंड का, वेयर गर्ल गोज़ टू ऑफिस और मेन कुक फॉर राइट। सो दिस इज़ ऑल। और एक और मूवी के साथ मैं आज आई भी हूँ जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन से थोड़ा बहुत रिलेट करती है, न्यूली रिलीज मूवी ऑन 15th October, विच इज़ रश्मि रॉकेट, तापसी पन्नू की मूवी है। हैट्स ऑफ टू तापसी अगेन कि एक वो एक और नए कंसर्न्ड इशू के साथ आई मूवी लेके, जिसमें तापसी पन्नू इज़ नो एक्टिंग जस्ट यू नो फंटास्टिक, शी हैज़ नो एक्टेड द वे इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड सो मूवी वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ रश्मि रॉकेट, विच इज़ बेसिकली अ स्पोर्ट्स ड्रामा डायरेक्टेड बाई आकाश खुरानी, तापसी पन्नू इन द लीड रोल अलॉन्ग साइड प्रियांशु पेन्यूडी एंड अभिषेक बनर्जी। या सो दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दुती चंद। शी वॉज एन इंडियन एथलीट जो कि शी वॉज डूइंग वेरी गुड इन द एथलेटिक्स फील्ड, बट ड्यू टू जेंडर टेस्ट वेयर शी वॉज सेड दैट या शी इज़ नॉट अ फीमेल, शी इज़ अ मेल, और उनको डिस्क्वालीफाई कर गया, उन पर बैन लगा दिया गया। तो ये भी स्टोरी कुछ कुछ इसी ऐसी ही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट कुछ ऐसी होती है कि रश्मि, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ गुजरात, भुज की कहानी है ये, बहुत ही गुजरात के कल्चर को बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाती हुई स्टोरी बनाई गई है। और स्टोरी है बचपन से ही रश्मि के लविंग, बहुत ही लविंग पेरेंट्स होते हैं। रश्मि के पापा टूर गाइड होते हैं और मम्मी शी इज़ अ होम मेकर राइट। तो बचपन से उनका थोड़ा मैस्कुलिन एटीट्यूड रहता है, मतलब लड़कों की तरह थोड़ा ड्रेसअप, बातचीत, लड़ाई झगड़ा, खून फांद करना। बट हाँ, वो बचपन से ही बहुत तेज़ दौड़ती थी, दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड रॉकेट। पूरी मूवी में उनको रॉकेट बुलाया गया है। तो रश्मि ने जब अपनी पहला मतलब पहला कॉम्पिटिशन दौड़ने जा रही थी, वो शी वाज सो मच फोकस्ड ऑन द ट्रैक कि उसी दिन उसी जगह पर लैंड माइंस आए और उनके पापा लोगों को बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई। रश्मि वॉज वेरी गिल्ट कि मैं इतनी ज़्यादा फोकस थी कि मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई, मतलब मैं इतना आगे भागने के चक्कर में मैं पीछे अपने पापा को छोड़ गई। इसके लिए वो अब उसके बाद से रनिंग जो है छोड़ देती हैं। एक और कैरेक्टर इसमें है विच इज़ एज शी वॉज फ्रॉम द रैन ऑफ कच्छ की तरफ का ये थोड़ा सा सीन दिखाया गया है। तो वहाँ पे उनके एक फैमिली फ्रेंड होते हैं कर्नल, उनसे मुलाकात, उनसे एक उनकी एक अलग केमिस्ट्री दिखाई गई है मूवी में। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात मेजर गगन से होती है जो कि रश्मि के पार्टनर का रोल करते हैं इसमें, हु इज़ प्रियांशु पेन्यूली। इनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है, ही सीम्स वेरी सपोर्टिव इन द मूवी। तो उनकी मुलाकात गगन से होती है। गगन इज़ अ काइंड ऑफ यू नो लाइकिंग रश्मि, और उनको जब पता चलता है कि रश्मि इतना तेज़ दौड़ती है तो वो उसे पूछते हैं कि वाई यू लेफ्ट, यू शुड कंटिन्यू। तो वो रश्मि को कन्विंस करते हैं और रश्मि फाइनली उसके बाद स्टेट लेवल खेलती हैं। और स्टेट लेवल जब वो भागती हैं और वो वहाँ से मेडल्स लाती हैं, तो एथलेटिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनको देखती है एंड वो उनकी नज़र में आ जाती हैं और वो सोचते हैं कि इसको जो है नेशनल्स खिलाते हैं। साउथ एशियन गेम्स में उनका सिलेक्शन होता है और वो उधर ट्रेनिंग लेती हैं और फाइनली वो साउथ एशियन गेम्स खेलती हैं और उधर वो सारे मेडल्स, तीन गोल्ड लेके आती हैं कंट्री में। स्टोरी एक नया ट्विस्ट इधर लेती है कि
जब वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनका ज़बरदस्ती उनको बिना बताए जेंडर टेस्ट कराता है कि ये लड़की इतना तेज बाकी लड़कियों से कैसे भाग सकती है। जेंडर टेस्ट में पता चलता है कि ये लड़का है। बेसिकली दिस इज़ अ ना न्यू टैबू वेयर बाय, मतलब अगर किसी लड़की के अंदर टेस्टोस्टेरोन 10 से ज़्यादा पाए गए हैं तो ये लड़की नहीं, ये लड़का है। तो विच इज़ काइंड ऑफ नेचुरल कि इससे लड़का लड़की में यू कॉन्ट डिफाइन, एंड इस बेसिस पे आप किसी को बैन नहीं कर सकते हो। बट हमारे इंडिया में ऐसा होता है ऑलरेडी। हमारे इंडिया की जो लड़कियाँ होती हैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करके उस पॉइंट तक पहुँचती हैं, स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में इट्स पॉसिबल, बट इफ़ द गर्ल इज़ कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज़ तो वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल फेस करके उस लेवल तक पहुँची है और फिर वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। सो फीमेल्स स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करती हैं। तो रश्मि को वहाँ पे बैन कर देते हैं। फिर उसके बाद एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है, इक्षित, विच इज़ अभिषेक बनर्जी। काफ़ी इक्षित के आने के बाद थोड़ा सा फनी माहौल चलता है और ये लोग एक केस फाइल करते हैं। इक्षित बहुत एक्सपीरियंस रहता है इन केसेस में क्योंकि रश्मि से पहले और भी ऐसी एथलीट्स होती हैं जो कि इसीलिए कोई कोई सुसाइड कमिट कर देता है, कोई गिवअप कर देता है, अभी तक बैन किन्हीं किन्हीं पर लगा होता है। बट इक्षित ये चाहते हैं कि ये रश्मि के साथ रिपीट ना हो क्योंकि शी वॉज़ यू नो शी वॉज़ फैबुलस एथलीट, राइट। तो इक्षित बात करते हैं रश्मि से, पहले तो रश्मि मना कर देती हैं, फिर वो केस फाइल करती हैं फाइनली एथलेटिक एसोसिएशन के ख़िलाफ़, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़, और वो केस जीत जाती हैं काफ़ी यू नो स्ट्रगल के बाद, और उनसे बैन हट जाता है और वो फाइनली वो रेस दौड़ती हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टोरी, और ऑफ कोर्स यू इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, आपको देखना चाहिए। गर्ल्स स्पेशली यू शुड वॉच, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई ये मूवी है। लोग कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मेल के पीछे किसी फीमेल का हाथ होता है, एंड दिस मूवी शोज़ दैट एवरी वुमन नीड्स अ सपोर्टिव सपोर्ट ऑफ अ मेल टू, एज प्रियांशु पेन्योली ने एज अ पार्टनर रश्मि का काफ़ी सपोर्ट किया है मूवी में। पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव। एक डायलॉग बहुत प्यारा सा इसमें है कि रश्मि किसी की नहीं सुनती, तो रश्मि के पापा कहते हैं अच्छा है ना, कम से कम वो अपनी तो सुनती है। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट, और एक और चीज़ और प्रूव होती है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। सो या गर्ल्स शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट। यू कैन से लाइक दिस कि आई एम अ गर्ल तो मैं ये सामान नहीं उठाऊंगी। या इफ़ यू हैव द पोटेंशियल टू यू नो कैरी दैट थिंग यू कैरी, प्लीज डोंट पुट एनी मेल टू कम इन कैरी योर थिंग्स। नो, मेट्रो स्टेशन में अगर तुम वो खड़ा रह सकते हो तो तुम भी खड़े रह सकते हो। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, एंड दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन। एंड रश्मि रॉकेट को ज़रूर देखें। तापसी पन्नू हैज़ अगेन ब्रॉड समथिंग वेरी 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 एस्थेटिक समथिंग वेरी मच something very delightful and pleasant for you people, right? So you should watch this movie. Video को like, share, comment और subscribe ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। And you can recommend me more movies. और क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की, तो आई एम कमिंग विद अ न्यू ब्लॉग, क्योंकि हमारे कॉलेज तो खुल नहीं रहे, तो बेसिकली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे मी कैसे अपने दिन काट रहे हैं वो ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। सो या कीप वेटिंग एंड Yeah, enjoy, bye bye.